हाय गाइज, मैं हूँ अमिता और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल फिट लाइफ बाय अमिता। तो क्योंकि मैं अपने इंस्टाग्राम पे बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड चीजें, ड्रिंक्स या जो मैं खाती हूँ, फूड्स वगैरह की पोस्ट्स डालती रहती हूँ, तो बहुत लोगों ने मुझे पूछा ग्रीन स्मूदी की रेसिपी और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे एक वीडियो बना दी जाए और आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँ मेरी ग्रीन स्मूदी की रेसिपी और इसके फायदे बताऊं आप लोगों को। तो गाइज, ये वीडियो एंड तक जरूर देखना क्योंकि इस वीडियो में आप बहुत कुछ सीखेंगे और मैं ग्रीन स्मूदी के फायदे भी बताने वाली हूँ। चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो और मैं सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स दिखा दूं आप लोगों को। तो गाइज, मेरे पास है 2 सेलरी स्टिक। ये इंडिया में हर जगह नहीं पाया जाता, तो इसकी जगह पे आप लेट्यूस का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर यहाँ यूएस में, अमेरिका में ये बहुत आसानी से हर जगह पाया जाता है। तो मैं हमेशा ये सेलरी स्टिक्स अपने ग्रीन स्मूदी में ऐड करती हूँ। जो दूसरा इंग्रेडिएंट्स है हमारे पास वो है ग्रीन एप्पल। जी हाँ दोस्तों, तो मैं यहाँ पे हाफ ग्रीन एप्पल का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर इंडिया में आपको ग्रीन एप्पल आसानी से नहीं मिलता तो आप उसकी जगह पे रेड एप्पल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एप्पल हमारे इंडिया में हर जगह हर महीने मिलता है, तो आपको इस एप्पल का भी इस्तेमाल करना है। अब बात करते हैं तीसरे इंग्रेडिएंट्स जो कि है हमारे पास खीरा। तो आपको हाफ खीरा ऐड करना है इस ग्रीन स्मूदी में। खीरे की जगह आप ककड़ी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंडिया में खीरा और ककड़ी हर जगह पाया जाता है, बड़े आसानी से आपको मार्केट में खीरा और ककड़ी मिल जाएगा। तो आप आधा खीरा का इस्तेमाल करें अपने ग्रीन स्मूदी में। फिर हमारे पास है लेमन। जी हाँ दोस्तों, नींबू। नींबू भी इंडिया में सालों साल आसानी से हर जगह मिलता है। सो इस ग्रीन स्मूदी में हम नींबू भी ऐड करने वाले हैं। हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट है वो है स्पिनच। ये है बेबी स्पिनच, ऑर्गेनिक बेबी स्पिनच का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। यहाँ पे बेनिफिट ये है कि ये बॉक्स में धुले हुए आते हैं, तो इसे धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती और थोड़ा काम आसान हो जाता है। तो इंडिया में पालक हमें सालों साल मिलता है, जिसका आपको बेनिफिट उठाना चाहिए। इसके बहुत सारे फायदे हैं दोस्तों। ये हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है, तो ये भी हम अपने ग्रीन स्मूदी में ऐड करेंगे आज। चलिए मैं ग्रीन स्मूदी जल्दी से बना लूं और इसके बाद मैं आपको फायदे बताती हूं इसके। सबसे पहले मैं ये सेलरी स्टिक्स काट लेती हूं और ग्रीन एप्पल के भी पीसेस बना लेती हूं। ये सब कुछ मैंने काट लिया है और अभी सबसे पहले ब्लेंडर में पानी डालना है। और फिर सारे जो कटे हुए वेजीज हैं और फ्रूट्स, ये सारा डाल देती हूँ मैं। सो गाइज, आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आप वेजीज या फ्रूट्स काट रहे हैं तो उसे अच्छे से धोएं काटने से पहले, क्योंकि उस पर बहुत सारे जर्म्स वगैरह होते हैं अगर आपने उसे धोया नहीं अच्छे से। तो धोना बहुत ज़रूरी है। और अब मैं ये पालक, धुले हुए पालक होते हैं इस बॉक्स में, तो ये डाल देती हूँ। और ये जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो इसमें आपको नींबू निचोड़ के डाल देना है। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, नींबू में विटामिन सी होता है जो कि बहुत फायदेमंद है हमारे लिए। और अब इसे फिर से मैं मिक्स कर देती हूँ एक बार। और ये मेरा ग्रीन स्मूदी बन के तैयार है। इसे ग्लास में डाल लेती हूँ। सो गाइस, ये रहा मेरा ग्रीन स्मूदी। ये ग्रीन स्मूदी बन गया मेरा। अब क्विकली इसके फायदे की बात करते हैं। तो गाइस, ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान से सुनना क्योंकि इसके बहुत बेनिफिट्स हैं। तो शुरू करते हैं पहले बेनिफिट से। ये हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने में मदद करता है।
सो डिटॉक्स करने में कैसे मदद करता है। सो गाइज, जैसे हम मीट खाते हैं, फिश खाते हैं, एग्स खाते हैं या तली भुनी हुई चीज़ें खाते हैं, और जिसकी वजह से हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स बन जाते हैं। सो हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन की भी ज़रूरत होती है, जो कि ये ग्रीन स्मूदी हेल्प करता है। हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स अंदर जाते हैं उसके एब्जॉर्प्शन में भी ये ग्रीन स्मूदी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आप बोलोगे मैं बहुत अच्छी डाइट लेता हूँ, आप सब कुछ खाते हो, ब्राउन राइस, एग्स, फिश, ओट्स, आप सारी चीज़ें अच्छी खाते हो, पर क्या आपको पता है कि आपकी बॉडी वो सारे फूड से जो न्यूट्रिएंट्स बन रहे हैं उन सारे न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब कर रही है या नहीं? तो गाइज, मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी हम फूड खाते हैं उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे के सारे अब्सॉर्ब नहीं करती हमारी बॉडी। कभी 20%, कभी 30%, कभी 40% अब्सॉर्ब करती है। तो ग्रीन स्मूदी वो सारे न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, जिसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये है कि जो भी चीज़ें हम खाते हैं उसके सारे न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में रहते हैं, हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं। ये सबसे बड़ा फायदा है दोस्तों। और ये स्मूदी आपके फूड को ब्रेक डाउन करने में भी मदद करता है, जिससे आपकी डाइजेशन अच्छी होती है और एब्जॉर्प्शन बढ़ता है। अब बात करते हैं दूसरे सबसे बड़े फायदे की, और सारी लड़कियां ये बेनिफिट ध्यान से सुनना, अगर आप ग्रीन स्मूदी रोज पी रहे हो आपकी स्किन ग्लो करेगी। जी हाँ, ये आपके स्किन ग्लो में भी मदद करता है, क्योंकि ये ग्रीन स्मूदी है एंटी एजिंग। अगर आप अपने स्किन के रिंकल्स को कम करना चाहते हैं तो आपको ग्रीन स्मूदी हर रोज पीना चाहिए, और अगर आप हर रोज नहीं भी पी पा रहे हैं तो आई वुड रिकमेंड कि आपको हफ्ते में 3-4 बार ग्रीन स्मूदी जरूर पीना चाहिए। क्योंकि गर्ल्स, अगर आप चाहे कितने भी फेशियल करवा लो, फाउंडेशन, क्रीम्स और सारी चीज़ें ऊपर से लगा लो, पर अगर जो जड़ है आपके स्किन के ग्लो की वो आपके सिस्टम में है, यानी कि आपके बॉडी के अंदर है, तो बहुत ज़रूरी है कि आपके बॉडी के अंदर वो सारे न्यूट्रिएंट्स, विटामिन, मिनरल्स होने चाहिए जिससे आपकी स्किन ग्लो करे। सो आई एम श्योर कि जो भी लड़कियां ये वीडियो देख रही हैं वो आज से ग्रीन स्मूदी पीना ज़रूर शुरू करेंगी। हेल्थ बेनिफिट की अगर बात करें दोस्तों, तो बहुत ही ज़्यादा फायदे हैं इस ग्रीन स्मूदी के। ये कैंसर प्रिवेंट करता है, हाई ब्लड प्रेशर प्रिवेंट करता है, और तो और डायबिटीज, अगर आपको डायबिटीज है तो आपको ये ग्रीन स्मूदी डेफिनेटली अपने डेली डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। ग्रीन स्मूदी हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। ये हमारी बॉडी के एसिड को कम करता है, सूजन वगैरह को कम करता है। तो गाइज, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपने ग्रीन स्मूदी के सारे फायदे को ध्यान से सुना, और आप आज से ही ग्रीन स्मूदी अपने डाइट में इंक्लूड करोगे, क्योंकि इसके बहुत 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 सारे फायदे हैं। और स्पेशली इंडियन घरों में हम ग्रीन्स से काफ़ी दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि जो हम सब्जियां भी बनाते हैं वो पका देते हैं, और पकाने के बाद मैं आपको बता दूं उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं गाइस वो सिर्फ 10-20% ही रह जाता है, क्योंकि हम उसमें इतना तेल और इतना भूज देते हैं उसे कि वो जो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो जल जाते हैं। सिर्फ आपके 10-20% न्यूट्रिएंट्स उस वेजिटेबल में बचे रहते हैं और हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स की कमी रहती है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि जो ग्रीन्स है उसे रॉ रखें और उसके बाद खाएं। जैसे कि इस ग्रीन स्मूदी के अंदर जो कुछ मैंने डाला है वो सब कुछ रॉ था, पका हुआ नहीं था, तो इसके आपको 100% न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में मिलेंगे इस ग्रीन स्मूदी की वजह से। और जो आप सब्जियां वगैरह खाते हो उतना पकाने के बाद, उससे हमारी बॉडी को 10-20% ही न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो गाइज, ये ग्रीन स्मूदी एक सुपर फूड है, और अगर मैं कहूँ तो ये एक मैजिक ड्रिंक है। हमें हर रोज ग्रीन स्मूदी पीना चाहिए, अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। सो गाइज, मैं अपने इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी सारे पोस्ट्स डालती हूँ हेल्थ से रिलेटेड, अपने फूड से रिलेटेड, जो मैं फूड खाती हूँ। तो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हैं तो आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी आईडी ये रही, फिट लाइफ बाय अमिता, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी, और अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट करके बताना कि कौन से और टॉपिक मैं कवर करूं अपने चैनल पे, और सपोर्ट करो मुझे
मेरे चैनल को ग्रो करने में, जिससे मुझे काफी मोटिवेशन मिलेगी और मिलती है आप लोगों के सपोर्ट से। और भी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपने चैनल पर डालने की कोशिश करूंगी। ऑलराइट गाइस, स्टे हैप्पी, स्टे फिट, बाय, चीयर्स।